डिलीशियस जी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कद्दू गोश्त और बॉयल चावल। ये हमारे घर में कैसे तैयार होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस तैयार होते हैं। लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कि ये हम कैसे तैयार करते हैं। आए जी चलें, थोड़ा सा खा लूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 8 से 10 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और इसमें 2 मीडियम प्याज जो हैं वो स्लाइस कर लेंगे। व्यूअर्स, ये 2 मीडियम प्याज मैंने इसमें स्लाइस कर लिए। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। जब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं जितनी देर तक, उतनी देर तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल सके। अच्छा, अब ये मेरे पास 1.5 पाव के करीब चिकन है, ठीक है। 1.5 पाव चिकन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और हम क्या करेंगे कि इसको भून लेंगे, यानी इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसकी बुनाई करनी है हमने, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऐसे ही वाइट कलर इसने कर लिया है, आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और इसके बाद हमारे पास ये टमाटर हैं, ठीक है जी। ये 4 अदद मेरे पास टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। आँच बिल्कुल ज़ीरो करके मैं इन 4 अदद टमाटर्स को इसी में काट लूँगा। व्यूअर्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल आपको रेसिपी मैं बता रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार और बहुत डिलीशियस ये कद्दू गोश्त का सालन तैयार होता है, ठीक है। अच्छा, 4 टमाटर हमने इसमें काट लिए, आँच अभी हमारी हल्की है। अब हम इसमें अपने मसाला जात जो हैं वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूंगा। अच्छा, कद्दू गोश्त में मैं नमक कम डालता होता हूं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जितना डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ये रेड मिर्च जो है वो डाली है। ये 2 चम्मच भर के मैं सूखा धनिया पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ। जी, ये 2 चम्मच जो हैं ये मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा भी मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रहा हूँ। गरम मसाला पाउडर, हम जब हमारा ये खाना तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। ये हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की। अब हम इसकी दोबारा बुनाई करेंगे। ये जितने भी मसाला जात हमने इसमें शामिल किए हैं, यानी टमाटर और मिर्चें वगैरह, इनको हमने यकजान करना है, ठीक है। जब ये यकजान हो जाएंगे और ये गोश्त में भी, यानी इनका जो मसाला है, जो फ्लेवर है, वो रच बस जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको, इसकी बुनाई करते रहना है, ठीक है। जब अच्छे तरीके से ये हमारा मसाला जो है वो पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें अपने जो कद्दू शरीफ थे वो सारे के सारे इसमें, यानी 1 किलो मैंने कद्दू लिए, उनको मैंने छील लिया, छील के साफ़ करके पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब हम इन कद्दूओं को इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। पानी के बगैर आपने शामिल करना है, अभी इसमें पानी नहीं डालना। कद्दू जो मैंने पानी में डिप करके रखे हुए थे उनको स्टेन करके इसमें हमने शामिल कर दिया। जी व्यूअर्स, अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे हम, ठीक है। अच्छे तरीके से जो मसाला है हमारा वो भी कद्दू में मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तकरीबन मैं 1/2 प्रेशर जो है मेरा ये मैं भर दूंगा पानी से,
और 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर चलाऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, आपको दोबारा याद दहानी करवाता चलूं कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, इटालियन, इंग्लिश, पाकिस्तानी, देसी और चाइनीज़, ये सारी की सारी डिशेस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रेशर लगा देते हैं। जी व्यूअर्स, ये 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर चलाना है। ठीक है, ये देखें, ये मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आँच को बंद कर दूँगा। वो आप देख रहे होंगे कि साइड पे हमारे चावल भी बॉयल हो रहे हैं। जी अब ये प्रेशर खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये हमारे कद्दू तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा है, हमने क्या करना है कि अपने कद्दू को ये चम्मच के ज़रिए ही थोड़ा सा मैश करना है और आंच तेज़ करके थोड़ा सा पानी को खुश्क करना है। ठीक है, ये 3-4 मिनट लगेंगे, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा और कद्दू जो हैं वो थोड़े से मैश हो चुके होंगे। कुछ हमारे कद्दू के पीस रहेंगे और कुछ कद्दू मैश हो चुके होंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे कद्दू जो हैं ये इसमें मैश हो चुके हैं। ठीक है, और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ठीक है, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त जो है वो भी बिल्कुल मैश हो के इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक प्लेट में मैं चावल डालता हूँ और उसके ऊपर ये मैं कद्दू शरीफ जो है वो भी डालता हूँ। देसी तरीके से हम खाएंगे इसको, क्योंकि हम ये देसी डिश तैयार कर रहे हैं। व्यूअर्स, अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे स्टाइल से बनी हुई डिश, यानी जो हम अपने घर में ये डिश तैयार करते हैं, ये आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।